व्हाट्स अप गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू ब्लॉग वर्कआउट ओवर। आज है 4th of January 2021 और मौसम थोड़ा क्लाउडी है। आज धूप नहीं निकल रही तो इतना मज़ा भी नहीं आता। धूप बहुत सेटिस्फाइंग होती है हिल स्टेशंस की। नहा धो के हो गए रेडी और पता नहीं कैमरे में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। अभी ये जो पीछे है जैसे पूरा बारिश जैसा माहौल हो रहा है। अभी पूरा नीचे फॉग आ गया, बिल्कुल भी अच्छा वेदर नहीं है। ठंड और फॉग का बिल्कुल भी जमता नहीं है। सराउंडिंग में ऐसा दिख रहा है, कैमरा कैप्चर नहीं कर पाया। और जो बादल आ रहा है टाइम लैप्स तो क्या खतरनाक आएगा। यहाँ पे डल हो गया है एटमॉस्फेयर आसपास का। आई मिस दिस प्लेस। बहुत हो गया कार्डियो के लिए सबसे बेस्ट जगह। मैंने इसको बनाया था 6 महीने पूरे लॉकडाउन में। आई विल मिस दिस वेर एवर आई गो। मैं ज़्यादा कार्डियो कर नहीं सकता अब, दोनों को बैलेंस में बना के चलना पड़ेगा अब, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि स्ट्रेंथ कम हो रही है। बट ऐसा कुछ नज़ारा है वहाँ पे। तो प्लमी, उसको बोलते हैं प्लमी, भीमाली माता, वो तो पूरे फॉग में छुप गया। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा टाइम लैप्स ये। अभी बाहर बहुत ठंड लग रही है तो मैं अंदर जाके ब्रेकफास्ट करूँगा। थैंक यू। 1200 कैलोरीज का ब्रेकफास्ट था। तो अभी मैं खुद के ब्लॉग्स देख रहा हूँ टीवी पे, यहाँ पे 1080 पिक्सल्स में देखते हैं टीवी पे कैसा लगता है। और मैंने एक ब्लॉग देखा था कि ट्राइंग न्यू आइडियाज़ इन ब्लॉगिंग, यहाँ पे आइकन आ रहा होगा, तो उसके अंदर देखा था यार कितनी गंदी स्टेबिलिटी और आवाज़। तो मतलब 100 पे करके देखा मैंने, 100 पे भी नहीं आ रही बोल रही। शायद इम्प्रूव हुआ है पता नहीं, अब देखते हैं। चलो रिसेंट वाले ब्लॉग्स देखते हैं अब कि कुछ स्टेबिलिटी में इम्प्रूव आया है कि नहीं आया। नहीं तो टी वी पर जाकर देख के ज़्यादा पता चलता है कि क्या गलत जा रहा था, क्या गलत है, क्योंकि मोबाइल में इतना ज़्यादा स्टेबिलिटी का पता नहीं चला था मेरे को। यहाँ जाके तो बहुत ज़्यादा लगा टी वी पर। अब वर्कआउट लेट हो गए, थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा लेट हो गए। सब गाइज, अभी मैं जा रहा हूँ सोली। मैंने सोचा है कि मैं अकेला जाऊँ, मैं वीर बाप जी गुरुशिखर की तरफ। मैं पहले भी गया हुआ हूँ, पहले भी ब्लॉग्स में बताया हुआ है, पर जो नए हैं उनके लिए है ये जगह। तो अभी होने वाले हैं अंधेरा, जल्दी से जल्दी मेरे को उधर पहुँचना भी है और आना भी है। बाइक पे चलने का एक डिसएडवांटेज है, आपको गियर बदलना पड़ता है और ब्लॉगिंग और गियरिंग
और रुकना पड़ता है। पीछे वाली दुकान से वीरव जी का प्रसाद ले लिया है, अब सीधा वहीं जाके रुकेंगे। जगह के बारे में बात कर रहा था वीडियो में, पहली बार मैं अकेला आया हूँ। इस गेट को अंदर से भी बंद कर रखा था तो मैं खोल नहीं पा रहा था इसको। तो पूजा हो गई है मेरी, और जो रीज़न से अंदर से बंद किया है क्योंकि यहाँ पे भालू आ जाता है अंदर, तो वो गेट खोल के अंदर घुस जाता था। पंडित जी का ये कहना है, जब पहले आते थे हम अंधेरा और कहीं से कुछ भी आ सकता था। जैसे एक बार मैं बहुत पहले अभी आया था भैया औरों के साथ, तो मतलब कि यहाँ से मंदिर के अंदर से वो मखाने खा के जस्ट वो भालू जस्ट निकला ही था बाहर, और वो इस जगह पर है यहाँ पे उस जगह से उतरा था यार। और यहाँ के थोड़े भालू बहुत खुखार है, तो इसलिए ऑल सेट टू गो। काले मुंह के बंदर हो रही अपनी बाइक, तो बहुत अच्छा लोगों ने डेवलप कर दिया है। नहीं तो यहाँ गेट वेट जो एंट्री वाला गेट था पर इतना मजबूत नहीं था। उनके नीचे एक शिव जी का भी मंदिर है पर यहाँ पे ज़्यादा कोई पूछते नहीं है। काले मुंह के बंदर कहीं ट्राईपॉड को कुछ खाना समझ के मेरे पीछे ना आ जाए। तो टोपा पहन लेते हैं अब, क्योंकि अब सर्दी पड़ गई। वन लास्ट टाइम तब होगा जब तक इनका बुलावा नहीं आ जाता, तब तक। आज बुलावा आया तो मैं चला आया, और जब अगली बार बुलावा आएगा तब आऊँगा, ऐसा मानते हैं। मैं भी मानता हूँ ऐसा, और बस सबके मानने पे है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।